रेडियोग्राफी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। रेडियोग्राफी इन हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है बेरियम स्वॉलो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रेडियोग्राफी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन भी दबाए ताकि आप चैनल पर अपलोड होने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रह सके। दोस्तों, रेडियोग्राफी के पिछले सालों के पेपर्स हल सहित आप हमारे ब्लॉग रेडियोग्राफी पेपर्स पर पा सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। बेरियम स्वॉलो एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है तथा यह प्रोसीजर तब किया जाता है जब पेशेंट को खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है। इसकी कॉस्ट 500 से 1000 रुपये होती है। इसके लिए पेशेंट को एक घोल पिलाया जाता है जो कि बेरियम सल्फेट होता है। बेरियम सल्फेट को बेरियम मील भी कहते हैं। बेरियम सल्फेट एक मेटेलिक कंपाउंड होता है जिसकी छाया एक्सरे बीम में दिखाई देती है तथा इसको स्टमक तथा इसोफेगस की एबनॉर्मैलिटीज़ को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बेरियम की कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी सुपीरियर होती है जब तक कोई विशेष कंट्राइंडिकेशन न दिया हो। यह प्रोसीजर निम्न परिस्थितियों में किया जाता है अर्थात इसके इंडिकेशन निम्न है: डिस्फेजिया या भूख ना लगना, अनीमिया, पेन, असेसमेंट ऑफ ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला, ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला की साइज तथा लोकेशन का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ द साइट ऑफ परफोरेशन, परफोरेशन की जगह का निर्धारण। यह प्रोसीजर लगभग सभी परिस्थितियों में किया जाता है अर्थात इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होते हैं। इस प्रोसीजर में निम्न कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है: बेरियम 250% का 100 मिलीलीटर या इससे ज्यादा मात्रा में घोल काम में लिया जाता है। अगर आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेना हो तो गैस्ट्रोग्राफिन काम में लिया जाता है या LOCM 350 मिलीग्राम आयोडीन पर ml काम में लिया जाता है। साथ ही कंट्रास्ट मीडिया काम में लेते समय निम्न सावधानियां ध्यान में रखी जाती है: अगर पेशेंट के ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुले हो या कॉन्ट्रास्ट के एस्पिरेशन की संभावना हो तो गैस्ट्रोग्राफिन कंट्रास्ट मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट की GIT में परफोरेशन हो तो बेरियम सल्फेट काम में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रोसीजर के काम आने वाले इक्विपमेंट के निम्न भाग होते हैं: फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पॉट फिल्म डिवाइस, यह एक फ्लूरोस्कोपी मशीन होती है जो स्पॉट फिल्म डिवाइस युक्त होती है। फ्लूरोस्कोपी एक्सरे मशीन में लाइव इमेज देखा जाता है। लारिंगोफैरिंक्स तथा डिग्लूटिशन या निगलने के दौरान अपर इसोफेगस के असेसमेंट के लिए रैपिड सीरियल रेडियोग्राफी विद टू फ्रेम्स फैसिलिटी या वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है। यह प्रोसीजर OPD बेसिस पर किया जा सकता है, किसी विशेष पेशेंट प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पेशेंट के परफोरेशन सस्पेक्टेड है तो वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया के साथ प्रिलिमिनरी कंट्रोल फिल्म ली जाती है। टेक्निक: इसोफेगस को स्पाइन से अलग करने के लिए राइट एंटीरियर ऑब्लिक फिल्म ली जाती है। इसके लिए थोड़ा सा बेरियम मुंह में लेकर पेशेंट को इसे निगलने को कहा जाता है तथा अपर इसोफेगस व लोअर इसोफेगस की स्पॉट फिल्म ली जाती है। इसके अलावा जरूरत होने पर राइट लैटरल, राइट एंटीरियर ऑब्लिक तथा PA पोजीशन में रेडियोग्राफ लिए जाते हैं। किसी प्रकार के आफ्टर केयर की जरूरत नहीं होती है। इसके संभावित कॉम्प्लिकेशंस में किसी असंभावित परफोरेशन से बेरियम का लीकेज तथा कंट्रास्ट मीडिया का एस्पिरेशन शामिल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।